जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे। जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहाँ गरीब दुखी ना रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हो, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्या की, हर तरफ राममय हो गया है। लेकिन इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने अंदाज में दिखे। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पहले तो पुष्पांजलि की, उसके बाद जब राम मंदिर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अब तक जो मूर्ति पत्थर की थी अब उसमें प्राण आ गए हैं। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। सर, राम राज्य की स्थापना की बात हो रही है, कैसे संभव होगा? मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे, हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी, जहाँ गरीब दुखी ना रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हो, सब प्रसन्न हो, उस रास्ते पर चलेंगे सब। वहीं इसके साथ अखिलेश यादव से पूछा गया कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी मौके पर ही सड़क किनारे भजन करने के लिए बैठ गए, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जहां पर सम्मान ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए। सर, आज राहुल गांधी को मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, अपनी यात्रा के दौरान उनको रोक दिया गया है और वो धरने में बैठे हैं। जहां सम्मान न मिले वहां जाना नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।